इस शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्वल की फेज 4 की सारी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फेज 4 की फर्स्ट मूवी है ब्लैक विडो, और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 379.8 मिलियन का था और बजट 200 मिलियन थी। और उसके बाद रिलीज हुई शांग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, बहुत ही अच्छी मूवी थी, और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 432.2 मिलियन का था, तो इसका बजट 150 मिलियन का था। फिर रिलीज हुई इटर्नल्स, और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 402 मिलियन का था और इसका बजट 200 मिलियन का था। देखो मूवी पर्सनली मुझे अच्छी ही लगी थी। बात करें सबसे भयंकर मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.916 बिलियन का था, इसका बजट 200 मिलियन का था। ये मूवी तो भाई दिल में रहती है। May 6, 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। देखो ये मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 955 मिलियन का था और इसका बजट 200 मिलियन का था। मूवी काइंड ऑफ अच्छी थी। तो इसके बाद आती है थॉर 1100, और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 760.6 मिलियन का था और इसका बजट 250 मिलियन का था। देखो मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी। अब रिलीज होने वाली है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, और मेरी होप इससे बहुत ज्यादा है।